हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी, आज का टॉपिक है लघु बीजाणु धानी का परिवर्धन यानी डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लघु बीजाणु धानी का परिवर्धन कैसे होता है और उसके अंदर परागकण कैसे बनते हैं। सबसे पहले कि लघु बीजाणु धानी किसे कहते हैं और यह कहाँ पाए जाते हैं। तो जो लघु बीजाणु धानी जो होते हैं वो एक प्रकार के थैलीनुमा गोलाकार संरचनाएं होते हैं जो कि परागकोश के अंदर पाए जाते हैं। यह जो संरचना है इसी को कहते हैं परागकोश, यानी एंथर कहते हैं इसे, अंग्रेजी में एंथर कहते हैं। अब इसी एंथर के अंदर यह गोलाकार संरचनाएँ पाई जाती हैं जिसे माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि लघु बीजाणु धानियाँ कहते हैं, और इन्हीं के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि परागकोश क्या होता है। परागकोश जो होते हैं यानी कि एंथर और परागकोश और पुंग तंतु यानी कि फिलामेंट, ये दोनों संरचनाएं मिलकर के बनाते हैं पुंकेसर। और पुंकेसर जो होता है वो किसी भी पुष्प का नर भाग होता है, नर जननांग होता है। और यह जब पुंकेसर जब समूह में होते हैं तब इन्हें उमंग यानी कि एंड्रोएशियम कहते हैं। ये मैं पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो चलिए अब आगे देखते हैं परागकोश के बारे में। परागकोश क्या होता है? तो परागकोश जो होते हैं ये एक प्रकार के विभज्योतक ऊतकों का समूह होते हैं, यानी कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू के ग्रुप्स होते हैं। अब विभज्योतक ऊतक किसे कहते हैं? तो ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जो लगातार विभाजित होते रहते हैं, तो इन्हें ही विभज्योतक ऊतक कहते हैं। और यह विभज्योतक ऊतक जो होते हैं ये किसी भी पौधे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद बात किया जाए परिवर्धन की, डेवलपमेंट की, यानी कि परागकोश और परागधानियों की डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले इस परागकोश के अंदर परिवर्धन के समय दो प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कि इस परागकोश के केंद्र में यानी कि यहाँ पर संवहन ऊतक का निर्माण होने लगता है बिल्कुल नए सिरे से, तो इसे कहते हैं प्राक संवहन ऊतक। संवहन ऊतक का मतलब जाइलम और फ्लोएम। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जाइलम का क्या कार्य होता है, तो जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करना, और फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का संवहन करना। तो इस प्रकार से सबसे पहले जाइलम यानी कि जाइलम और फ्लोएम यानी कि संवहन ऊतक का निर्माण होता है, और यह संवहन ऊतक यह पूरे परागकोश को खाद्य और जल का संवहन कराते हैं। इसके बाद दूसरा जो परिवर्तन होता है वह होता है इस यानी कि पराग धानियों का यानी कि लघु बीजाणु धानियों का निर्माण करना होता है। कैसे होता है यह आगे आप देखते हैं। यह जो संरचना है इसी संरचना को मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, इसे कहते हैं लघु बीजाणु धानियाँ। इन लघु बीजाणु धानियों के अंदर कुछ प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि आकार में थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं बाद में वृद्धि करके, और इन्हीं कोशिकाओं को कहते हैं अधस्त त्वचा कोशिका या एपिडर्मल सेल्स कहते हैं इन्हें। और यही कोशिकाएं जो होते हैं ये विभाजित होकर के दो प्रकार की संरचनाएँ बनाते हैं। पहला, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, एंडोथीसियम नज़र आ रहा है, मिडल लेयर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या इसके अलावा टेपिटम जैसे संरचनाएं बनाते हैं। और दूसरा जो होते हैं या इसके अलावा माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में विभेदित होने लगते हैं। अब ज़रा इसी डायग्राम को यहाँ पर देखते हैं कि अधस्त त्वचा कोशिकाएं क्या होती हैं, क्योंकि पिछले डायग्राम में शायद थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकता है।
जैसा कि मैं बताया कि अधः त्वचा कोशिका यानी कि एपिडर्मल सेल, सॉरी हाइपोडर्मल सेल जो होते हैं ये विभाजित होकर के और दो प्रकार की कोशिकाएं बनाते हैं, पहला प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरा प्राथमिक बीजाणुजनक की कोशिका। यह कोशिकाएं कहाँ पर बनती हैं, एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ। इस जो लघु बीजाणु धानियाँ जो पाई जा रही हैं इसके अंदर यानी कि यहाँ पर बनते हैं, और ये जो है विभाजित होकर के बीच में से परिणत विभाजन इनके अंदर होता है, और ये इसके बाद जो ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं, ऊपर वाली कोशिकाएं ये यहाँ पर बाह्य त्वचा, अंतःस्थीसियम को त्वचा, मध्य त्वचा सॉरी मध्य पर्त यानी कि मिडल लेयर, और अंत में ये जो येलो कलर का जो स्पॉट दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं टेपिटम। जैसी है जो ऊपर वाली जो कोशिका है ये चार प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, और जो नीचे वाली जो कोशिका है जिसे कहते हैं प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका, यह प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका यह जो है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है परागकण, इनका निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो अधः त्वचा कोशिका जो होते हैं यह निर्माण करते हैं अलग अलग प्रकार के भित्तीय कोशिकाओं का, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कोशिकाएं जो है ये भित्तीय कोशिका कहलाएंगी, और दूसरा जो है वो प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका, और यह प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका से लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनते हैं, और इसके बाद फिर परागकण बनते हैं। कैसे बनते हैं अब ज़रा इस पीछे आगे इस डायग्राम में देखते हैं। तो मैं बात कर रहा था अधः त्वचा कोशिका का, इसमें परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन किसे कहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है, इसमें जब यहाँ से बीच में से इस प्रकार से जब विभाजन होता है तो इसे ही परिणत विभाजन कहते हैं। एक कोशिका ऊपर बनता है, दूसरा कोशिका नीचे बनता है, तो इस प्रकार के विभाजन को परिणत विभाजन कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन। तो इस प्रकार से परिणत विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बनी, प्राथमिक कोशिका और प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरा प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए इसके बाद देखते हैं सबसे पहले प्राथमिक भित्तीय कोशिका। जैसा कि मैं अभी पहले बताया कि प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं जो होती हैं ये विभिन्न प्रकार के भित्तीय कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, यानी एक प्रकार का दीवार जैसी संरचनाएं बनाते हैं। कहाँ पर? तो लघु बीजाणु धानियों के बाहर। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो है सबसे पहले बनाता है बाह्य त्वचा, यानी कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एपिडर्मिस सेल्स। तो बाह्य त्वचा किसी भी लघु बीजाणु धानी के सबसे बाहरी परत होता है, बाहरी कोशिकाओं का समूह होता है। दूसरा नंबर है अंतःस्थीसियम कोशिका, या जिसे एंडोथीसियम सेल्स भी कहते हैं। इसके बाद मैं अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तीसरा नंबर है मध्य परत यानी मिडल लेयर, मध्य परत बनाते हैं। और चौथा नंबर जो होता है टेपिटम होता है। टेपिटम क्या होता है? तो टेपिटम जो होता है ये एक ऐसी कोशिकाएं होती हैं, ऐसे कोशिकाओं का समूह होता है जो कि पराग कणों को पोषण प्रदान करते हैं, पोषण पदार्थों का ये प्रदान कराते हैं। इसके अलावा ये तो था पहला नंबर प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरा नंबर है प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो निर्माण होता है वो होता है जो आगे हेडिंग आएगा लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत, इसको पढ़ना है अगला हेडिंग में। अभी तक इस हेडिंग के अंतर्गत हमें पढ़ना है कि लघु बीजाणु धानियों का परिवर्धन कैसे होता है। तो लघु बीजाणु धानियों का परिवर्धन परिवर्धन के लिए यहाँ पर चार प्रकार की कोशिकाओं का समूह बनता है। कौन कौन से? बाह्य त्वचा, अंतःस्थीसियम को त्वचा यानी कि एंडोथीसियम सेल्स, मिडल लेयर और टेपिटम जैसी संरचनाएं बनती हैं। किसके अंतर्गत? लघु बीजाणु धानी के परिवर्धन के अंतर्गत। इसके बाद जो दूसरा नंबर जो हेडिंग आएगा उसमें हम लोग देखेंगे लघु बीजाणु जनन। तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं इस टॉपिक्स को और इजी समझने के लिए। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं इस संरचना को ही मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर
यहाँ पर जो है संरचनाएं बनती हैं कौन सी, जो सबसे पहले मैं बताया था, अधः त्वचा कोशिका यानी कि हाइपोडर्मल सेल्स। और यही हाइपोडर्मल सेल क्या क्या बनाते हैं, तो एक ऊपर वाली जो बाहरी कोशिकाएं है जो हैं ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक भित्तीय कोशिकाएं बनाते हैं, और दूसरा दूसरा अधस्त त्वचा के दूसरे कोशिकाएं पराग कण बनाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो संरचना जो दिख रहा है डायग्राम में, यह एक लघु बीजाणु धानियों की संरचना है, जिसमें सबसे पहला जो अधस्त त्वचा की प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कोशिकाएं प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं कहलाएंगी, और इसके अलावा पराग कण। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका में कौन कौन से हो जाएंगे, एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम यानी कि अंतस्थीसियम, तीसरा नंबर मिडल लेयर यानी मध्य परत, चौथा टेपिटम, टेपिटम है, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स नहीं है, चौथा है टेपिटम। तो इस प्रकार से यह जो लेयर जो प्रतीत हो रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह टेपिटम है। यह जो है टेपिटम की जो लेयर होता है वो पराग कणों के बिल्कुल पास में होता है, और वो उन्हें पोषण पदार्थ प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है जो पिछला जो हेडिंग था यानी कि लघु बीजाणु धानी का परिवर्धन के अंतर्गत, यानी कि इसमें इस टॉपिक के अंदर अंतर्गत केवल लघु बीजाणु धानियों के जो बाहर जो किस प्रकार से परिवर्धन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में था। और दूसरा नंबर, अगला नंबर हेडिंग है इसी में, लघु बीजाणु जनन। अब लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा होती है कि लघु बीजाणुओं का यानी कि पराग कणों का निर्माण होना ही, यानी उन्हें बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कि पराग कणों का विकास और विभेदीकरण की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सामान्यतः तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सा, पहला नंबर लघु, लघु मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म मतलब माइक्रो, बीजाणु यानी कि स्पोर, पहला हो गया माइक्रो, दूसरा स्पोर, तीसरा जनन यानी कि जिनेसिस। जनन का मतलब जहाँ पर भी आप लोग जनन शब्द देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर निर्माण हो रहा है, इनका संरचना बन रहा है। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु जनन उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत पराग कणों का निर्माण होता है, यानी पराग कणों के बनने की क्रिया को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो चलिए अब इसके अंतर्गत देखते हैं, यानी कि मैं अभी बताया था कि अधस्त त्वचा कोशिका में जो दूसरी प्रकार की, यानी अधस्त त्वचा हाइपोडर्मल सेल किसे कह रहे थे, या कोई कोशिका हो गया, इसमें विभाजन हुआ परिणत विभाजन। ये जो नीचे वाली कोशिकाएं हैं, नीचे वाली कोशिका यही बना रही थी क्या, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका, और जो ऊपर वाली कोशिकाएं हैं इन्हें ही कह रहे थे प्राथमिक भित्तीय कोशिका, जो कि अलग अलग प्रकार के बाह्य त्वचा, अंतस्थ त्वचा, एपिटम जैसी संरचनाएं बना रहे थे। तो अब देखते हैं प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका यानी कि लघु बीजाणु जनन की हेडिंग के अंतर्गत, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो प्राथमिक बीजाणु जनक की कोशिकाएं हैं, यानी कि ये जो नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं, इनमें विभाजन होते लगता है, और विभाजन होकर के बनाते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका, यानी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका। उसके बाद इन लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और एक कोशिका से, प्रत्येक कोशिका से चार लघु बीजाणु यानी कि चार पराग कणों का निर्माण होता है। यानी कि सबसे पहले प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका से लघु बीजाणु जनक कोशिका का निर्माण होता है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है, और उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन उसमें देखने को मिलता है, और उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन के बाद कुल चार चार लघु बीजाणु कोशिका यानी कि पोलिन ग्रेन या कहें तो पराग कणों का निर्माण होता है। और इस प्रकार से यह
लघु बीजाणु जन यानी कि परागकण बनते हैं। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, यह है एंथर। यह पूरी संरचना क्या कहलाएगा? तो पुंकेसर कहलाएगा, और इसका यह वाला भाग परागकोश कहलाएगा, यह वाला भाग लघु बीजाणु धानियाँ कहलाएंगे। और इसी लघु बीजाणु धानियों में यानी कि ये वाली जो संरचनाएं हैं, इसके अंदर ये जो अलग अलग जो डार्क बैंड दिखाई दे रहा है, इन्हें कहते हैं भित्तीय कोशिका। और इसी भित्तीय कोशिका के अंत में बीच में ये जो चार जो संरचनाएं जो दिख रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं पोलन मदर सेल्स यानी कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका। इन लघु बीजाणु मातृ कोशिका से मियोसिस होता है। यह संरचनाएं हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका का, इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन के बाद कुल चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। और यह चारों कोशिकाएं आपस में से फिर सेपरेट हो जाते हैं यानी अलग हो जाते हैं, और अलग होकर के यहाँ पर चार पराग कणों का निर्माण करते हैं। और उसके बाद जैसे प्रस्फुटन की क्रिया होती है, यानी कि पीछे का डायग्राम में आप लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर जब वाल यानी कि पराग कोशों का जो वाल जब फट जाता है, भित्तीय कोशिकाएं जब फट जाते हैं, तो यहाँ से पराग कण जो है वो रिलीज हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और उसके बाद इस प्रकार से यह पूरी प्रक्रिया जो है यानी डेवलपमेंट का पूरा होता है।